हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एयर स्प्रिंग की वर्किंग के बारे में समझेंगे। उसमें जो लेवलिंग वाल्व यूज किया जाता है वो कैसे काम करता है और लोड आने पर बफर हाइट को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं। सबसे पहले तो आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, ये मैंने एक एयर स्प्रिंग का लाइन डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें हाँ यहाँ पे एयर स्प्रिंग शो की गई है। ये हमारा एक फ्लोटिंग बोलस्टर हो गया जिसमें हमारी एयर स्प्रिंग लगाई गई है। ये एक लेवलिंग वाल्व हो गया हमारा। लेवलिंग वाल्व में देखिए, तीन लेवलिंग वाल्व से होते हुए ये पाइपलाइन हमारी एयर स्प्रिंग में प्रेशर भेज रही है और एक लेवलिंग मेन रिजर्वायर से लेवलिंग वाल्व का कनेक्शन है और एक एग्जॉस्ट में कनेक्शन है। लेवलिंग वाल्व में ही हमारा नीचे इस तरह से एक ही हमारा हॉरिजॉन्टल लीवर कह सकते हैं या हॉरिजॉन्टल रॉड हो गई हमारी और ये हमारा एक इंस्टॉलेशन लीवर है। इंस्टॉलेशन लीवर जो है हमारा ये साइड फ्रेम में फिक्स रहता है। ये नीचे जो हमारा दिखाया गया है ये साइड फ्रेम हो गया। ये हमारा एक इंस्टॉलेशन लीवर दिखाया गया है जो हमारा एक पार्ट तो उसका लेवलिंग वॉल्व से कनेक्ट रहता है और दूसरा जो है बोगी फ्रेम के बॉटम से कनेक्ट रहता है। ये बोगी फ्रेम का बॉटम हो गया, उससे कनेक्ट रहता है। दोस्तों, वर्किंग कैसे होगी? यहां पर ये डैश डैश करके मैंने यहां पर एक ये तीर का निशान बनाया हुआ और इस तरह भी डैश डैश करके एक ये इस तरह से बनाया हुआ है। तो इधर से हम इसकी एक्चुअल बफर हाइट मेजर कर लेंगे और यहां से हमारी रिक्वायर्ड बफर हाइट। तो ये पोर्शन जो हो जाएगा हमारा, इस ये जो हाइट होगी वो हो जाएगी एक्चुअल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बफर हाइट। और इधर इस वाली हाइट से हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड बफर हाइट। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह का एक लाइन डायग्राम हो गया। अब किस तरह से काम होगा? अगर एयर स्प्रिंग पर नॉर्मल लोड हो गया हमारा क्यू, एयर स्प्रिंग पर पड़ेगा, उस कंडीशन पे एक्चुअल हाइट और रिक्वायर्ड बफर हाइट, एक्चुअल बफर हाइट और रिक्वायर्ड बफर हाइट दोनों हमारी सेम होंगी। कब? अगर एयर स्प्रिंग पे नॉर्मल लोड आ रहा है। इस पोजीशन को जिसमें एक्चुअल बफर हाइट और रिक्वायर्ड बफर हाइट सेम होती है, उस पोजीशन को इक्वलाइजेशन या फिर लैप पोजीशन बोलते हैं। जिसमें जो हमें देख के कैसे पता चलेगी, ये जो लेवलिंग वाल्व में एक ही हमारा लीवर लगा हुआ है, ये आर्म जो दिख रही है, ये हमारी अगर हॉरिजॉन्टल रहेगी, उस कंडीशन को हम लैप पोजीशन कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, मेन रिजर्वायर से ना तो प्रेशर एयर स्प्रिंग में जाएगा और ना ही एयर स्प्रिंग का प्रेशर हमारा एग्जॉस्ट होगा। तो ये हमारी लैप पोजीशन है। अभी मैं आपको ये वर्किंग पूरी बता देता हूं, फिर उसके बाद लिख के समझा दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, जब क्यू जो हमारा नॉर्मल लोड है, जब इसमें कोई एक्स्ट्रा लोड आ जाए। एक्स्ट्रा लोड कैसे आ जाएगा? किसी स्टेशन पर पैसेंजर बहुत अधिक संख्या में अगर हमारे कोच में चढ़ेंगे, यानी पैसेंजर का कोच में आना होगा, तो उस कंडीशन में जो लोड था वो हमारा बढ़ जाएगा। ये जो है ये हमारा बोलस्टर दिखाया गया, फ्लोटिंग बोलस्टर। जब कोच में लोड आएगा तो लोड किस पे आएगा? बोलिस्टर पे आएगा। बोलिस्टर पे आएगा तो एयर स्प्रिंग उस कंडीशन में क्या होगी हमारी? दबेगी। क्यों? क्योंकि बोलिस्टर पे ही एयर स्प्रिंग है, तो ये एयर स्प्रिंग में दबाव शुरू होगा। जैसे ही दबाव शुरू होगा बोलिस्टर नीचे शिफ्ट होगा। बोलिस्टर से कनेक्ट है लेवलिंग वॉल्व, ये नीचे आएगा और जैसे ही ये नीचे आएगा तो देखिए ये जो पोजिशन है ये आके इधर हो जाएगी। तो ये जो आर्म है वो हमारी इस तरह से इंक्लाइंड हो जाएगी। कब? जब कोई एक्स्ट्रा लोड कोच में एंटर करेगा, यानी पैसेंजर कोच में एंटर करेंगे, तो ये जो लेवलिंग वाल्व है ये अपनी पोजीशंस चेंज करके नीचे की ओर आएगा और ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल था ये हमारा इस तरह से इंक्लाइंड हो जाएगा। इस कंडीशन में देखिए एक्चुअल हाइट हमारी, एक्चुअल बफर हाइट कितनी होगी? रिक्वायर्ड बफर हाइट तो हमारी ये रहेगी, जहां पर ये इंस्टॉलेशन लीवर फिट है उतनी हाइट रिक्वायर्ड बफर हाइट है, और एक्चुअल बफर हाइट जो होगी वो हमारी ये हो जाएगी। यानी इस कंडीशन में जब लोडिंग होती है उस कंडीशन में एक्चुअल बफर हाइट की वैल्यू रिक्वायर्ड बफर हाइट की वैल्यू से कम हो जाती है और जो लीवर हॉरिजॉन्टल लीवर था वो हमारा नीचे की ओर इंक्लाइंड हो जाता है।
इस कंडीशन को, जैसे ही लेबलिंग वाल्व ये कंडीशन सेंस करता है, लेबलिंग वाल्व क्या करता है, मेन रिजर्वायर का कनेक्शन एयर स्प्रिंग से कर देता है, यानी मेन रिजर्वायर से प्रेशर लेबलिंग वाल्व के थ्रू इस तरह से एयर स्प्रिंग में जाने लगता है। ये प्रेशर गया, एयर स्प्रिंग में प्रेशर जाएगा तो एयर स्प्रिंग में एयर स्प्रिंग फूलने लगेगी, और जैसे ही एयर स्प्रिंग फूलेगी तो ये बोलिस्टर को ऊपर की ओर ढकेलेगी, बोलिस्टर पर दबाव ऊपर की ओर लगेगा, और जो और तब तक ये दबाव बढ़ जाता रहेगा, यानी जब तक एयर स्प्रिंग में प्रेशर जाता रहेगा तब तक ये बोलिस्टर ऊपर की ओर मूव करता रहेगा। यानी जैसे ही यहां पर सेम पोजीशन जो इक्विलाइजेशन पोजीशन थी ये यहां से यहां पहुंचेगा, तो इसका लीवर जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल लीवर हॉरिजॉन्टल में होगा, लेवलिंग वॉल्व तुरंत ही मेन रिजर्वायर का कनेक्शन एयर स्प्रिंग से डिस्कनेक्ट कर देगा, यानी मेन रिजर्वायर से प्रेशर एयर स्प्रिंग में जाना बंद हो जाएगा फिर से, यानी लेवल इक्विल लैप पोजीशन और या फिर हमारी इक्विलाइजेशन पोजीशन फिर से बन जाएगी, जिसमें अगर फिर से देखेंगे तो एक्चुअल बफर हाइट और रिक्वायर्ड बफर हाइट हमारी फिर से सेम हो जाएगी। ये तो हो गया लोडिंग में। अब अगर अनलोडिंग होगी, यानी ये डेल्टा क्यू यहां से खत्म हो गया, ये क्यू बचेगा, तो अब क्या होगा, एयर स्प्रिंग में ऑलरेडी प्रेशर जा चुका है तो इसकी जो हाइट थी वो यहां पे रहेगी, लेकिन जैसे ही पैसेंजर हटेंगे तो ये बोलिस्टर ऊपर हो जाएगा, बोलिस्टर ऊपर होगा तो इसकी पोजीशन जो यहां थी ये ऊपर हो जाएगा, इसकी नई पोजीशन हमारी यहां पर आ जाएगी, उस कंडीशन में जो हमारा ये लीवर है वो इस तरह से हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे इस कंडीशन में एक्चुअल बफर हाइट कि हाइट ये हो जाएगी यानी बढ़ जाएगी, और रिक्वायर्ड बफर हाइट हमारी सेम रहेगी, तो एक्चुअल बफर हाइट बढ़ गई है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, लेबलिंग वॉल्व जैसे ही देखेगा कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल लीवर है ये अप डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो गया है, तो ये क्या करेगा, एयर स्प्रिंग का कनेक्शन एग्जॉस्ट से कर देगा, और एग्जॉस्ट से जैसे ही कनेक्शन होगा प्रेशर एयर स्प्रिंग से निकलेगा यहां से आते हुए और एग्जॉस्ट से बाहर निकलने लगेगा, यानी एयर स्प्रिंग में प्रेशर कम होने लगा, और जैसे ही एयर स्प्रिंग का प्रेशर कम होगा बोलिस्टर नीचे की ओर आने लगेगा, बोलिस्टर जैसे ही नीचे आएगा उसके साथ लगा लेबलिंग वाल्व भी नीचे की ओर मूव करेगा, लेबलिंग वाल्व जैसे ही इधर आएगा ये लैप पोजीशन आ जाएगी, उसी दौरान जैसे ही लैप पोजीशन बनेगी लेबलिंग वॉल्व एयर स्प्रिंग के कनेक्शन को एग्जॉस्ट से डिस्कनेक्ट कर देगा और एयर स्प्रिंग से प्रेशर बाहर निकलना रिड्यूस होना बंद हो जाएगा और हमारी एक्चुअल बफर हाइट रिक्वायर्ड बफर हाइट के इक्वल आ जाएगी। तो दोस्तों ये रही तीन पोजीशन, लैप पोजीशन, लोडिंग पोजीशन और अनलोडिंग पोजीशन। तीनों ही पोजीशन में मैंने आपको बताया कि किसका कनेक्शन किससे होता है, एक बार फिर से बता देता हूं, लैप पोजीशन में ये लीवर हमारा इस हॉरिजॉन्टल रहेगा, वहां पर ना तो मेन रिजर्वायर एयर स्प्रिंग से कनेक्ट होगा और ना ही एयर स्प्रिंग एग्जॉस्ट से कनेक्ट होगी, यहाँ पे सारे पोर्ट लेबलिंग वॉल्व पे बंद हो जाएंगे। सेकंड पोजीशन थी लोडिंग पोजीशन, जिसमें एक्स्ट्रा लोड हमारा बोलिस्टर कोच में एंटर किया, जैसे ही कोच में एक्स्ट्रा लोड आएगा बोलिस्टर नीचे दबेगा, एयर स्प्रिंग दबेगी और बोलिस्टर में चूंकि लेबलिंग वॉल्व लगा हुआ है तो लेबलिंग वॉल्व नीचे आ जाएगी, लेबलिंग वॉल्व नीचे आएगा तो ये पोजीशन ये हो जाएगी, इसको लेबलिंग वॉल्व सेंस करेगा और जैसे ही ये लेबलिंग वॉल्व इसको सेंस करेगा मेन रिजर्वायर का कनेक्शन एयर स्प्रिंग से कर देगा, मेन रिजर्वायर से प्रेशर एयर स्प्रिंग में जाना शुरू होगा, एयर स्प्रिंग में प्रेशर बढ़ेगा जिससे बोलिस्टर के ऊपर अब ऊपर की ओर दबाव बनेगा, बोलिस्टर धीरे धीरे ऊपर जाएगा और जैसे ही बोलिस्टर ऊपर जाएगा उसमें लगा लेबलिंग वॉल्व भी उसके साथ ऊपर जाएगा, वॉल्व में लगा ये हमारा उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, उस कंडीशन में एक्चुअल बफर हाइट रिक्वायर्ड बफर हाइट के इक्वल हो जाएगी। थर्ड पोजीशन हमने बताई अनलोडिंग, अनलोडिंग में जैसे पैसेंजर ट्रेन से उतरते हैं तो लोड कम हो जाएगा, एयर स्प्रिंग ऑलरेडी प्रेशर ज्यादा था एयर स्प्रिंग में, अब पैसेंजर उतरेंगे तो क्या होगा, बोलिस्टर अपनी ऊपर की ओर जाएगा, बोलिस्टर जैसे ही ऊपर जाएगा तो लेबलिंग वाल्व की जो ये पोजीशन है ये यहां पर आ जाएगी, ये इंक्लाइंड हो जाएगा, लेबलिंग वाल्व इसको सेंस करेगा और इसको सेंस करके देखेगा कि अब डायरेक्शन में इंक्लिनेशन हुआ, एयर स्प्रिंग के कनेक्शन को एग्जॉस्ट से कर देगा जिससे एयर स्प्रिंग का एक्सेस प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर में जाएगा और तब तक जाता रहेगा जब तक कि ये जो पोजीशन थी वो हमारी हॉरिजॉन्टल नहीं आ जाती। जैसे ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन बनेगी लेबलिंग वॉल्व एग्जॉस्ट से एयर स्प्रिंग का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देगा, मेन रिजर्वायर से डिस्कनेक्ट कर देगा, यानी अब लैप पोजीशन में कहीं पे भी कोई भी कनेक्शन नहीं होगा।
तो दोस्तों ये रही एयर स्प्रिंग की कंप्लीट वर्किंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंस्टॉलेशन लीवर जो अभी मैंने आपको यहां पर बताया है वो आपको रिटर्न समझा दूंगा, कहां पे किस तरह से कनेक्शन होता है, तीनों कंडीशन में रिटर्न वे में एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।